स्पेशल 26 अवेयरनेस डे और एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले नीरज पांडे की औरों में कहां दम था, आज फाइनली सिनेमाघरों के अंदर रिलीज हो गई है। 2 घंटा 25 मिनट लंबी इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं, आइए बात करते हैं। लेकिन यार उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो कहानी है कृष्णा और वसुधा की। कृष्णा के यंगर वर्जन को प्ले किया है शांतनु ने और वसुंधरा के यंगर वर्जन को प्ले किया है साई मांजरेकर ने। और जैसा कि हम सभी को पता है, ओल्ड वर्जन में अजय देवगन एंड तब्बू की केमिस्ट्री हमें दिखाई देगी। सो दोस्तों, ट्रेलर में ही देखा था हमने, दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक दिन अचानक इनके लाइफ में भूचाल आ जाता है। कृष्णा को एक दिन अचानक पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको 25 साल की सजा होती है। अब क्या कृष्णा यानी अजय देवगन जेल से वापस आ पाएगा, क्या वसुधा से वापस मिल पाएगा, कृष्णा जेल क्यों गया था, ये सारे कारण जानने के लिए दोस्तों आपको सिनेमाघर का रुख करना पड़ेगा और ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो यार अगर इस फिल्म की पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो यहाँ पर यार तब्बू और अजय देवगन की बेहतरीन एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी, क्या जबरदस्त काम किया है। स्क्रीन पर जब जब तब्बू और अजय देवगन की प्रेजेंट हमें दिखाई देती है तो यार स्क्रीन के ऊपर माहौल इमोशनल हो जाता है। और साई मांजरेकर ने बहुत ही जबरदस्त, उनके करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने इस मूवी के अंदर दी है। फिल्म का डायरेक्शन भी भाई साहब उतना ही उम्दा और बेहतरीन है। सो यार यहाँ पर नीरज पांडे ने पहली बार रोमांटिक ड्रामा फिल्म के अंदर हाथ अजमाया है और एक्टर से बेहतरीन काम निकलवाया है। फिल्म को यार एक पोएटिक अंदाज में पेश करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, जिसमें मेकर सफल भी रहे हैं। नीरज पांडे की स्टोरी टेलिंग हमेशा की तरह खूबसूरत रही है और वो इस मूवी में भी दिखती है। सो यार कहीं ना कहीं ये मूवी का यार फर्स्ट हाफ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा खींचा हुआ लगता है। अगर कहा जाए तो यार दोस्तों 2 घंटा 25 मिनट की इस मूवी को 2 घंटे में आराम से खत्म किया जा सकता था। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है, आज के जनरेशन के हिसाब से मेकर्स और जो यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर है ऑस्कर विनिंग जो उन्होंने एमएम करीम ने इसके सारे किरवानी साहब ने इसके सारे गाने लिखे और कंपोज किए हैं, उनको यार बहुत ही शाबाशी देनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने गाने लिखे हैं, कहानी को आगे लेके जाते हैं। अक्सर देखा है कि रोमांटिक फिल्में एक हैप्पी नोट के साथ खत्म होती है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं है और यही मेकर्स का सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी कहानी पहले नहीं देखी है या पहले नहीं लिखी जा चुकी है। एक लड़का एक लड़की के प्यार में जाकर अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर हमने कई सारी फिल्में देखी। सो यार अगर आप इस फिल्म से कुछ नया देखने की उम्मीद कर रहे हो तो दोस्तों उम्मीद मत करना, क्योंकि आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, नीरज पांडे का डायरेक्शन और उनकी कहानी कहने का अंदाज, वो आपको एलिमेंट जरूर पसंद आएगा। नीरज पांडे का यार कहानी दिखाने का रिफ्रेशिंग अंदाज आपको सच में बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोस्तों मैं दूंगा यार इस मूवी को 5 में से 3 स्टार। सो दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग काफी कम है और देखा जाए तो फर्स्ट डे को ओपनिंग ये मूवी यार 5 करोड़ से भी कम होने वाली है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है कमेंट करके जरूर बताना, अपना ओपिनियन शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।